अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे साथ ये हमारे दोस्त हैं, बकुलदार हैं, बल्कि ये हमारे स्टूडेंट थे निस्टर में, और इन्होंने मुझे याद कराया कि मैं इनका एग्जामिनर भी था और इनका इम्तहान भी लिया था। तो शहजाद यूनुस इनका नाम है, डॉक्टर शहजाद यूनुस, और ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर शख्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक देता है कि वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस को अल्लाह की तौफीक से ही उसको एग्जिबिट भी कर सकते हैं। तो इनकी ज़िंदगी हमेशा से ही बहुत ही एक मुतहर्रिक ज़िंदगी रही है। अपने हाउस जॉब के ज़माने से भी, इन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया, तो हाउस जॉब के ज़माने से ही इनके जहन के अंदर ये था कि ज़िंदगी को सिर्फ खाना पीना, बीवी बच्चे और सिर्फ इस पर महदूद नहीं रखना, बल्कि इसके ज़रिए से माशरे में कुछ तब्दीली लानी है अपनी रज़ा, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए और अपनी आखरत को बनाने के लिए। ये माशाल्लाह बहुत अकम्पलिश सर्जन है, हेपेटोबिलरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी मस्कत, और वहाँ रहते हुए ये बहुत अरसे से बहुत से आर्टिकल, बहुत से कॉलम जिनका के नेशनल पॉलिसीज के अंदर इम्पैक्ट रहा है, उसकी तफसील नहीं कि इनके कॉलम्स की बुनियाद पर बहुत सारे नेशनल पॉलिसीज जो हैं हमारे हुक्मरान उनसे गाइडेंस लेकर बनाते रहे हैं। अच्छा, हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है और ये किताब अमेजोन पर पब्लिश हुई है, और अमेजोन पर चूँकि बहुत महंगी होती है तो उन्होंने ये सोचा कि इनके कॉपी राइट्स इनके पास ही हैं तो ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। ये किताब, मेरा ये ख्याल है कि हर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जो फर्स्ट ईयर में मेडिकल स्टूडेंट आता है वहाँ से लेकर हर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के पास होनी चाहिए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास इन्होंने खुद ही मुझे दे दी है, और मैं इंशाल्लाह इसका शुक्रिया अदा करने के तौर पर खुद खरीद के और लोगों को गिफ्ट करूंगा, ताकि यह है कि उसकी वजह यह है कि ये किताब के पीछे एक और पर्पज भी, इस किताब का वैसे नाम है एम आई अ ग्रेट डॉक्टर, और इसमें मुतअद्दिद मज़ामीन हैं जिसमें डॉक्टर की पूरी ज़िंदगी का जो इहाता है, उसकी पर्सनल लाइफ का, उसकी प्रोफेशनल लाइफ का, उसकी एथिकल लाइफ का, उसकी मॉरल लाइफ का, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और उसकी अपनी मॉनिटरिंग का, और फिर उसके ज़रिए से उसके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, तो ये सारे आस्पेक्ट्स उन्होंने बहुत डिटेल से डिस्कस किए हैं, जो एक सरसरी तौर पर मुझे अभी देख के हुआ है। ऑब्वियसली मैं इस किताब को पढ़ूंगा, अल्लाह के फजल करम से मेरी किताब पढ़ने की स्पीड बड़ी तेज़ है और मैं बहुत जल्दी किताब को पढ़ लेता हूँ, तो मैं और समझ के पढ़ लेता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह पढ़ के इसके फिर अपना रिव्यूज भी जरूर दूंगा। अच्छा, इस किताब की लिए मुझे बात करने की इसलिए भी जरूरत है कि इस किताब के पीछे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी है। ये एक छोटा सा जिक्सा पजल का एक बिट है जिसमें इन्होंने कहा है कि इस किताब से, जो कि एक इंटरनेशनल बुक है जा रही है, कि इसकी जहां जहां ये बिकेगी इसकी जो रॉयल्टी आएगी उसके जरिए ये अपने आबाई शहर खानपुर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उस प्रोजेक्ट की तफसीलात तो एक, यानी तफसीलात तो मुमकिन नहीं होगी, मगर उसकी एक इजमाली थोड़ी सी जो तारुफ है वो ये अपनी जबान से खुद अभी करवा देते हैं मुख्तसर सा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि तमाम डॉक्टर इनकी वेबसाइट से इस किताब को होम डिलीवरी, पेमेंट ऑन डिलीवरी पर होगी, तो ये किताब जो है ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, और ये वो किताब है कि जो सिर्फ पढ़नी नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी पे एक इम्पैक्ट डालेगी, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंशाल्लाह आप इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा करेंगे। तो शहजाद साहब, आप थोड़ा मुख्तसर बता दीजिए इसका जो पूरा जो मैंने बताया है, एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड ताकि लोगों को समझ में आ जाए। जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस ऑनर, आपने इतनी इज्जत बख्शी। तो सर ने किताब के बारे में ब्रीफ आपको बता दिया, बाकी इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे किताब के बारे में तो आपको मज़ीद मालूमात मिलेंगी और इससे जो फवायद हासिल होंगे इंशाल्लाह। जो पर्पज़ है जो सर ने कहा इसके पीछे, वो है मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ एक एजुकेशनल यूनिक आइडिया के साथ, एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स जो अंडर प्रिविलेज जो क्लास है उनको हाई स्टैंडर्ड की फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन देनी है इंशाल्लाह, और वो मेरा होम टाउन है खानपुर कटोरा, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, द हाउस ऑफ विजन उसका नाम है मेरे प्रोजेक्ट का। तो ये जो बुक है इसकी रॉयल्टी वहाँ जाएगी सारी उसकी कंस्ट्रक्शन में, और वो जो प्रोजेक्ट है उसकी जो एजुकेशनल, सिंपल एजुकेशन उसमें नहीं है, उसमें जो सोसाइटी के लिए उसमें जो बेनिफिट है, जो सोसाइटी को उससे जो बूम मिलना है, सोसाइटी को जो उससे फवायद हासिल होने हैं, वो एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन है। तो हमारे मुआशरे में जो कॉमन मसाइल हैं उनका हल है उसमें, तो वो डिटेल एक कंसेप्ट है, वो बच्चों के जरिए हमने कैसे चेंज लेकर आनी है अपनी सोसाइटी में, हमारे जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, हमारे जो महरूमियाँ हैं, वो प्रोजेक्ट जो है ऑल इन वन होगा, वो एजुकेशनल जो उसका जो महाज है उस पर तो वो एजुकेशन देगा बच्चों को, लेकिन जो सोसाइटी को जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं रोज़मर्रा बेसिस पर
उनका भी उसका सलूशन होगा, तो वो इंशाल्लाह वो बाद में हम डिटेल में उसका एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इसका जो सारी इंशाल्लाह जो रॉयल्टी है इस बुक की वो उस प्रोजेक्ट के लिए जानी है। तो मैं सर का बड़ा थैंकफुल हूँ, उन्होंने मुझे ऑनर दी और रिकमेंडेशन दी, एंड आई होप कि आप इंशाल्लाह इस बुक को, मेरी वेबसाइट जो है उस पर ये 5000 में वेबसाइट का बता जी, मेरी वेबसाइट है shahzadyunus.com, बहुत आसान shahzadyunus अब याद रखेंगे shahzadyunus.com जी, उस पर आप इसको सिंगल क्लिक से 5000 रुपए में विद होम डिलीवरी आपको ये बुक मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये अमेज़न से मंगवाते हैं तो $150 इसकी प्राइस है प्लस शिपिंग चार्जेस, वो $190 है, वो बहुत महंगी है क्योंकि कॉपीराइट्स मेरे पास है एज अ ऑथर, तो इसलिए ये पाकिस्तानी सिर्फ विद इन पाकिस्तान मैंने ये अपनी वेबसाइट लॉन्च किया था कि मेरे पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं इस बुक से मुस्तफीद हों और उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जो चेंजेस आएंगी तो वो आपको पढ़कर अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो इल्म और दानिश की ना कोई कीमत नहीं होती और उसको कीमतों में तोलना जो है वो मुमकिन नहीं है, तो आप इसको सिर्फ ना किताब की कीमत ना समझिएगा बल्कि एक नेकी के अंदर अपना हिस्सा समझिएगा। मुझे उन्होंने तफसील से वो बात बताई है और वो बड़ी दिल को लगती है। मैं बहुत अरसे से इस बात पर जोर देता रहा हूँ कि एक ना टॉप टू बॉटम अप्रोच है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब बने मुल्क के हुक्मरान तो अगले दिन तब्दीली आनी शुरू हो गई, तो जो टॉप टू बॉटम अगर चेंज आती है वो बहुत जल्दी ट्रिकल करनी शुरू करते हैं। अल्लाह हमें नसीब करे कि टॉप टू बॉटम हमारे पास अल्लाह ताला ऐसा कर दे। बज़ाहिर हालात के अंदर हमारे यहाँ जो नबवी तरीका चेंज लाने का वो बॉटम टू टॉप अप्रोच है, और बॉटम टू टॉप का मतलब यह है कि एक एक बंदे को पकड़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज लोगों के पास 600-700 दफा गए और जाके अबू जहल के पास कितनी दफा गए, तो एक 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 बंदे को जाकर उसको नसीहत करना उसको करना। तो ये जो मुझे शहजाद साहब की बातों से समझ में आया है तो ये उस बॉटम टू टॉप अप्रोच के जरिए से माशरे में, और उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मगर इनका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही अकल को लगता है और डूएबल है। एक्चुअली हमारे किसी भी नेकी के प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ों के डूएबल ना होने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारी नीयत की कमजोरी होती है, और उसके बाद फिर स्ट्रेटजी की प्लानिंग की वीकनेसेस होती हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं मेन, बाकी हर्डल सारी मैनेज हो जाती हैं। तो मुझे इनसे मुलाकात के बाद ये अंदाज़ा हुआ है कि वो जो नीयत वाला मामला है ना वो इंशाल्लाह अज़ीज़ इनका बहुत ही कन्विक्शन के साथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बाकी फिर ये है कि हमारे जुम्मे तो नियत करके कोशिश ही करना है। और दूसरा ये कि इनका स्ट्रेटजी वाला प्रोग्राम भी कमजोर नहीं है क्योंकि इनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, ये बाहर दुनिया में फिरे हैं, काम किए हैं और पढ़ाई लिखाई से इनका ताल्लुक है, तो इनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। लिहाजा वो स्ट्रेटजी भी ना ऐसा नहीं होगा कि एक बना के एक जज्बाती सा बना लिया, लेकिन उसके पीछे एक साइंटिफिक स्ट्रेटजी भी होगी। तो उसमें ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं कि जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पूरी कौम तैयार हो। और ये जो मैं भी पेरेंटिंग के अपनी वर्कशॉप में अर्ज करता हूँ कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो पत्थर की सिलें बन चुकी हैं, उन पत्थर की सिलों में से मुजस्मा निकाला जा सकता है लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत, लेकिन जो हमारी नई नस्ल है वो गुंधे हुए आटे की तरह है उसको जैसे। तो इनका ये ख्याल है कि ये खुद सर्वे करके पूरे अपने बाबुल अपने खानपुर जो कटोरा शहर है उसके क्रॉस सेक्शन में से जो फाइनेंशियली लो कोई भी नहीं होता दुनिया में, कोई लो नहीं होता, लेकिन जो फाइनेंशियली जरा कम लेस प्रिविलेज लोग हैं तो ये उनमें से क्रॉस सेक्शन में से लोगों को ढूंढेंगे और उनके बच्चों को लेंगे, और फिर उसके पास बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है इनके पास। तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, मेरी इनसे लंबी मुलाकात हुई तो मैं इनके साथ पूरा एक घंटे का सेशन करूंगा। बहरहाल फिलहाल आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, मेरी उम्र के भी डॉक्टर हैं, रिटायर्ड डॉक्टर भी हैं, तो ये किताब जो है वो आपको बहुत फ़ायदा देगी। मैंने इसको भी पूरा पढ़ा नहीं है, इसकी फहरिस्त को पढ़ा है और इनके मज़मून को जल्दी से देखा है, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि इसके अंदर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एक डॉक्टर की ज़िंदगी के अंदर जितना कुछ एक पॉसिबल फिलोसॉफिकल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में बहुत इन्होंने अपने तजर्बे के साथ शेयर किया है। तो मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला नियत का इखलास मजीद बढ़ाए, वो सबसे अहम चीज वही होती है, और फिर अल्लाह ताला स्ट्रेटजी खुद ही सुझा दे। थैंक यू।